बात एक बार फिर से होगी हाथरस कांड की। दरअसल जानकारी ये आई है कि लड़कियों की तरह सजता सवरता है भोले बाबा। 24 साल पहले चमत्कार के चक्कर में गिरफ्तार हुआ था। भक्त परमात्मा बुलाते हैं और जो उसकी पत्नी है उसे माँ जी बुलाते हैं। यूपी के हाथरस में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ इसमें मच गई। महिलाएं बच्चे सबसे ज्यादा चपेट में आए। अब तक 122 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। हाल के सालों में ये सबसे बड़ी त्रासदी भी इसको बताया जा रहा है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि जो बाबा है वो फरार है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है ये। लेकिन ये भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और खुलासे में एक बड़ा खुलासा ये है कि लड़कियों की तरह सजना सवरना बाबा को पसंद है। उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ महिलाएं होती हैं। महिलाओं को ही बेडरूम में एंट्री मिलती है। उसे पुरुषों पर कोई भरोसा नहीं है। 2000 में भोले बाबा को चमत्कार करने का, सन 2000 की ये बात है जब चमत्कार करने का झांसा देने के आरोप में आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल जो अनुयायी है उसके भोले बाबा को विश्व हरि को परमात्मा कहते हैं जबकि जो उसकी पत्नी उसको माँ जी कहते हैं। बढ़ते खबरों में आके और अगली बड़ी खबर, हाथरस हादसे पर भोले बाबा बोला मैं निकल गया था, अराजक तत्वों ने भगदड़ कराई। अब तक 122 मौतें हो चुकी है। न्यायिक आयोग करेगा जांच और यूपी के हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद पहली बार भोले बाबा का ये पहला स्टेटमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया और जिसमें लिखा गया कि मैं जब समागम से निकल गया था इसके बाद ये हादसा हुआ। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए सवाल यही है कि अब तक आखिर बाबा पर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है और हाल के साल में ये अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी क्योंकि 122 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा महिलाओं की इसमें जान गई। 111 से अधिक महिलाएं हैं, 7 बच्चे हैं और 4 पुरुषों की इसमें मौत हुई है। और योगी सरकार इसी मामले को लेकर फुल ऑन एक्शन में नजर आ रही है। बड़ी बात यह कि बाबा की अपनी पर्सनल आर्मी थी। 3 घेरे की सुरक्षा बाबा रखता था जिसमें पहले घेरे में काले कपड़ों में लोग होते थे जो कि बाबा को घेर के रखते थे। दूसरी जो लेयर होती थी सुरक्षा की उसमें गुलाबी रंग के कपड़ों में लोग होते थे जो कि उनकी आर्मी से बिलोंग करते थे और वो लोगों को हैंडल करते थे। वहीं तीसरे घेरे में सफेद रंग के कपड़ों में लोग रहते थे। तो इस तरीके से बाबा अपनी सिक्योरिटी लेकर चलता था और यही सिक्योरिटी बाबा को पहले निकालती है जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भीड़ को रोकती है और उसके बाद में बाबा निकल जाते हैं और पूरा ये घटनाक्रम इस तरीके से होता है। भक्त बढ़ते रहे और बाबा आश्रम पहुंचे और उसके बाद में भाग गए।